अक्षय कुमार के बहुत बड़े फैन लगते हो। जी हाँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या नकल निकाली आपने, थैंक यू यार, मजा आ गया। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके आने से देखिए सबकी रौनक बढ़ गई है। पीछे हमारे कुछ नौजवान है, वो एकदम खड़े हो गए, कहाँ हैं? वाओ, थैंक यू फॉर ऑल द अटेंशन। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ शंकर कुमार झा जी को, हु हैज लॉन्च्ड हिज न्यू कंपनी व्हिच इज द झा ग्रुप ऑफ कंपनीज। शंकर जी, कहाँ हैं आप? शंकर जी, आई एम श्योर इज बिजी। सो मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि आप में और मुझ में एक बहुत सिमिलैरिटी है, वो है कुछ करने का जज्बा। लाइक मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ करना चाहती थी, अपने बलबूते पर करना कुछ चाहती थी, अपने पैरों पे यू नो उठना चाहती थी। आई वांटेड टू बी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एंड शंकर जी का मैंने बहुत कुछ स्टडी किया, सो आई गॉट टू नो दैट वाओ, ही इज एन इंस्पिरेशन टू अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली, है ना? Do you agree with me? He's an inspiration. मतलब needy लोगों के लिए घर बनाकर, you know, he's got so many blessings. Like yes. he's made yes. Beautiful homes for the needy, affordable prices pe, which is a very good thing for all the needy people. Because मैं जानती हूँ कि घर होना, अपना खुद का घर होना, उसकी feeling कैसी होती है, you know? And I feel all the blessings to Shankar ji for doing such a great job and at such affordable prices for everybody, and I am very inspired and very very lucky to be a part of this event tonight. Lovely, ek baar zordaar taaliyan ho jaye. Inhone bilkul sahi kaha ki Shankar ji, jaisa ki aap sab jante hain, 2007 mein दर्शन हो गया सर, अब हम लोग के जान है, आप कैसे फेवरेट हैं हम लोग के, आपको क्या दोहरी खुशी का मौका है इस वक्त। जीतू जी हमारे साथ मौजूद है, शंकर जी हमारे साथ मौजूद है, जन्मदिन का मौका है सर, सबके साथ मिल लीजिए। जैसे जैसे बर्थडे बढ़ते जाएंगे, जाने के टाइम जल्दी का आता जाएगा। सर ग्रुप कर लेते सब रूम में, सर एक साथ कर लेते हैं। यहाँ के सबसे बड़े कर्ता धर्ता है,
बीबर सिंह आए थे, उदयपुर सिंह जी आए थे, प्रताप सिंह नाइक जी आए थे, सब आ रहे हैं, अमदार जी आए, नरेंद्र मित्तल जी आते हैं। बिल्डिंग दी है वो तो मैंने एक दिन लगा लिया। मैंने समझा आपने बिल्डिंग बनाई है। नहीं पापा मैं तो दो मिनट में और ये बहुत रिलीजियस आदमी है, वो फेथ होना चाहिए। आदमी को रिलीजियस होना नहीं चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, पर अंदर फेथ होना चाहिए कि मुझे यहाँ से शक्ति मिल सकती है, नहीं तो जाके कीर्तन जोर जोर से करने से कुछ नहीं होना। जवाब देने का मजा आया। सर मैं सवाल शंकर जी से ही पूछता हूँ कि दोहरी खुशी का मौका है, आज गुड़ी पड़वा भी है, आज सर आए हैं यहाँ पर, क्या लगता है आपको सर सर को देखकर सर की उम्र अभी तक हम लोग अंदाजा नहीं लगा पाए कितना, तो ये कौन सा बर्थडे होगा सर? सब मालूम है। देखिए ये खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर, इनको सब मालूम है अंदर कितना टूटा फूटा है। तो कहने का मतलब है देखिए, आप जिंदा रहोगे तो आपकी उम्र होगी, आप उम्र होगी तो बूढ़े होगे, बूढ़े होंगे तो फिर जाने का टाइम आ जाएगा। ये तो सिलसिला कोई नया नहीं है, ये तो सबको जाना है, आपने भी इधर से ही गुजरना है अगर जिंदा रहे तो। तो बात कोई नई नहीं है। आई एम 77 ईयर्स ओल्ड टुडे, टुडे मतलब 78 शुरू हो गया। अभी बाकी जितने भी दिन ऊपर वाले ने लिखे काटेंगे अच्छी तरह, पर मुझे ये बंदा बहुत पसंद आया। मुझे बहुत कम लोग देखने से पसंद आते हैं और बाद में वो ग्रो करते हैं, ये देखने पे भी पसंद आया, बाद में ग्रो भी किया। मुझे बहुत उम्मीद है हमारा एसोसिएशन बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। सर आए हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है, और सर माता रानी का भक्त है और मैं भी माता रानी का भक्त हूँ, और सर वैसे भी बहुत ऑनेस्ट है और बहुत ही नाइस पर्सन है, इनसे मिलके बहुत ही मज़ा आता है। मैं जितने टाइम मिलता हूँ इनसे, हर एक टाइम में कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता हूँ, और ऐसे ही मैं इनसे मिलता रहूँगा और इनके साथ एसोसिएट बनाए रखूँ। ओके, जिंदगी के इतने साल बाद भी इतना प्यार देख कर कैसा लगता है? देखिए इन लोगों का प्यार, आप लोगों का प्यार, यही चीज है जो हमें जिंदा रखती है। वरना हम तो, लोग कहते हैं कि आप फैन हैं, मैं कहता हूँ आप सब मालिक हैं, आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। तो ये आप लोगों की देन है जो हम इस वक्त यहाँ खड़े हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज पीपल लव यू। अच्छा आप लोग कोई गाने की लाइन है सर के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे?
सबको गुड़ी पड़वा की पता नहीं ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको मेरी तरफ से यानी जितेंद्र की तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार। ये मैं पिछले 8-9 साल से मेरा रोड आ रहा हूं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहा हूं, कोई बड़ा नहीं, मेरा काम ही नहीं है, मैं बिल्डर विल्डर हूं नहीं, मैं तो एक एक्टर रहा हूं जिंदगी भर। और वो प्रोजेक्ट अभी थोड़ा रंग ला रहा है और जब उसका वक्त ठीक आ गया तो मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसा बंदा मिले जो मेरे रंग में रंग जाए, जो मेरा स्पिरिट है जो मैं कंसीव कर रहा हूँ उसको आगे ले जाए। तो एक दिन मेरी मुलाकात शंकर झा से हुई। अभी हालांकि ये उम्र में मुझसे 45 साल छोटे हैं मगर एक्सपीरियंस में मुझसे 50 साल आगे हैं। मैं उनसे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए चावल पके हैं कि नहीं पके, सब चावल नहीं खाने पड़ते, एक दाना काफी होता, मालूम पड़ जाता चावल पका है कि नहीं। मैं एक ही बार मिला तो मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा बिल्कुल करेक्ट है। ये मेरे देखिए मैं एक ही प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, यहाँ सैकड़ों प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, मेरा बहुत छोटा सा है पर मेरी एक ख्वाहिश है, अभी देखो कैसे पूरी होती है, ये मेरी मदद करेंगे तो शायद हो जाए। मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मैं ये प्रोजेक्ट बनाऊं तो लोग मुझे याद करें, ये नहीं करें कि जितेंद्र हमें ठग के चला गया यहाँ से। मैं ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ उसी दायरे में, मैं कोई ताजमहल नहीं बना सकता हूँ, तो जितना मेरा लिमिटेशन है, जितना इस जगह की कैपेसिटी है, उस हिसाब से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँ कि ये लोग याद करें मुझे। देखिए जाना सामने है, मेरा मतलब ये कि जब मैं चला भी जाऊँ ना यहाँ से तो लोग मुझे याद करें कि जितेंद्र हमें एक अच्छा प्रोजेक्ट दे के गया, इट वॉज वर्थ वाइल। एंड आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर शंकर झा इसमें मेरी पूरी मदद करेंगे। आदमी उतना ही नेक, ऑनेस्ट एंड डाउन टू अर्थ, ऐसे कम लोग मिलते हैं आपको जिंदगी में जो एक ही बार मिलने से आपको रिझा जाते हैं। मैं काफी लोगों से मिला हूं मीरा रोड में, तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मीरा रोड के लोगों से मिलकर, मीरा रोड के लोगों से मिलकर हद से ज्यादा प्यार मिला। हर शख्स यहां अपना सा लगे जैसे कोई बिछड़ा यार मिला। क्या बात है जीतू जी, आपने हमारा दिल जीत लिया। जय माता दी, गॉड ब्लेस यू ऑल। शंकर जी आप भी कुछ कहना? जी हाँ सर, से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इससे पहले कि मैं उनको माइक दूं, आप सबके जोरदार तालियां। नमस्कार, यहाँ पे जितने भी लोग आए सबको मेरे तहे दिल से नमस्कार। जीतू सर जितने भी बोले हमारे लिए वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब मैं लाइफ में ऐसे ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा, ऐसे ही हार्डवर्क करूंगा, ऑनेस्ट रहूंगा और इससे और भी बेहतर करूंगा, ये हमारी वादा है आप लोगों से। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद और अपना प्यार हमारे प्रति दिखाते रहें। धन्यवाद। जीतू सर के बारे में जितना भी बोले वो बहुत कम है। जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था इनसे तो मुझे बहुत मतलब डर सा हो रहा था कि यार इतना बड़ा स्टार है, पता नहीं क्या बात करेंगे क्या नहीं करेंगे, बहुत नर्वस सा था मैं। जीतू सर बोले आ जा बेटा तुम्हें मेरे केबिन में आ जा। मैं गया और जब इनसे बात किया ना, इतना डाउन टू अर्थ थे, इतना पोलाइटली बात किए, लगा नहीं यार इनसे तो जमेगा अपना। और इसके बाद कई मीटिंग हुए, हर एक मीटिंग में मेरे मुझे कुछ ना कुछ इनसे सीखने के लिए मिलता है और मैं ट्राई करूंगा लाइफ में। ये तो मेरा छोटा प्रोजेक्ट है, ये मेरा छोटा बिजनेस है, बट मैं ट्राई करूंगा कि हमेशा सर से मैं जुड़ा रहूं, ये बिजनेस मेरा हो या ना हो लेकिन मैं सर से हमेशा जुड़ा रहूंगा, ये 100% है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जीतू सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच शंकर जी। दैट वाज अ ब्यूटीफुल एंड दिल से वो स्पीच थी आपकी, है ना विकल्प? जी हाँ, दिल से स्पीच थी। और सभी को पता है इनके जो नेक राते हैं, इनका जो डाउन टू अर्थ जो इनका नेचर है, जीतू साहब ने खुद कहा कि बहुत ही डाउन टू के तौर पर आप यहां तक पहुंचा दीजिए, जोरदार तालियां।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन। करिश्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने इतनी बेहतरीन फिल्मों में काम किया, अभी अभी हमने आपको संजू में भी देखा, तो ये इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस, इतने सारे लोग जो चाहने वाले हैं शंकर जी के, झा परिवार को चाहने वाले हैं, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फीलिंग वेरी गुड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। मतलब इतना नेक काम किया है शंकर जी ने, फ्रॉम स्क्रैच टिल हियर ही इज कम, सबके लिए हम सबके इंस्पिरेशन है, मैं तो बहुत प्रभावित हो गई हूँ। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सच में इन्होंने मुझे बैक स्टेज कहा, जब सर का इंटरव्यू आ रहा था शंकर जी का, तो इन्होंने मुझे एक लाइन कही, अरे ये तो बहुत यंग है, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है, सो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? काफी करिश्मा, अभी हम लोगों ने देखा आपने स्टेज पर बहुत तारीफ की है शंकर जी की, और जीतू जी ने भी बहुत तारीफ की, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर और शंकर जी? पर ये तारीफ के लायक है शंकर जी, तो ऑफ कोर्स तारीफ तो होगी, अब झूठी तारीफ तो मुझे आती है नहीं, तो जो भी नेचुरल निकला, जो डिजर्विंग था, मैंने ये बोला है। एंड मैंने इनके अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ा, एंड मैंने जब पहली बार पढ़ा, केस स्टडी हो रहा था, तो मुझे लगा अच्छा शंकर जी मतलब अपने मिड 40s 50s में होंगे, इतना सारा अचीवमेंट, यू नो एक्सपीरियंस इतना एंड ऑल ऑफ दैट। जब मैं सडनली शंकर जी को देखा फ्रॉम द क्राउड, आई एम लाइक शंकर जी, मैं अपने आप में क्वेश्चन मार्क था कि ओ ओके शंकर जी इज प्रीटी यंग, सो मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड और प्रभावित हूँ, क्योंकि एक तो आप यंग है, आपने बहुत यंग एज में इतना कुछ किया है। मैं जब आप नहीं आए थे तब भी मैंने बोला था कि मेरी और आपकी जो स्टोरी है काइंड ऑफ सेम है, मैं भी बहुत यंग थी, 18 साल की थी, तब से मैंने अपने बलबूते पे यू नो इंडिपेंडेंट रही हूँ, अपने पैरों पे खड़े रहने का जज्बा था, सो यू ऑल्सो हैव द सेम थिंग, आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते थे। मैंने देखा कि आप सिर्फ दो लोगों के साथ एक छोटी सी फैमिली से आप आए थे, एंड कैसे आपका इट इज़ ऑल अबाउट योर माइंड, कैसे आपने अपना दिमाग लगाया मुंबई सिटी में अपना खुद का क्रिएट करना, ये बहुत बड़ी बात है, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट। शंकर जी आप भी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा पहले ही फेस में, जब हम लोग देख रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी में, सितारे आपके साथ जुड़ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ये सब लोगों का प्यार है, और वही लोगों की दुआ आशीर्वाद है और प्यार है जो मैं यहाँ तक लेके आया, तो ऐसे ही सब जुड़े रहे हमारे साथ, यही हमारी तमन्ना, यही हमारे इरादा है, और यही हमारे मनोबल को बूस्ट करता है, ऐसे सब जुड़े रहे। ओके करिश्मा, ऑल्सो आपने होस्ट किया है आज की शाम को, तो कितनी कब से तैयारियां चालू थी इस शाम को? आज सुबह से, मतलब मैं ज्यादा होस्टिंग करती नहीं हूँ, पर जब मुझे पता चला कि यू नो अबाउट शंकर जी अचीवमेंट एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई एम लाइक ओके आई हैव टू होस्ट, आई एम वेरी सिलेक्टिव अबाउट व्हाट आई होस्ट, यू विल नॉट सी मी होस्टिंग लॉट ऑफ शोज, तो एक सिलेक्टिव करती हूँ, तो ये सिलेक्टिव था मेरे लिए, बिकॉज ही रियली डिजर्व्स इट एंड ही इज अमेजिंग, ही इज फैंटास्टिक विद हिज अचीवमेंट्स। थैंक यू सो मच।